कच्छ जिल्लानी गांधीधामनी मुस्कुराट संस्था द्वारा विविध क्षेत्रों लोक कल्याण में फाळो आपी समाज सेवानु कार्य करी रह्या छे। समाज सेवा में कार्यरत मुस्कुराट संस्था द्वारा आदिपुर खाते आवेला करुणा विहार संस्था सेवानी जोत जगावी छे। विविध आपत्तियों दरमियान अनाथ अने निराधार थई गयेल महिलाओं अने युवतियों ने करुणा विहार में सहारो आपवामां आवी रह्यो छे। अनाथ महिलाओं आत्मनिर्भर बनी स्वमानभर जिंदगी जीवे ते माटे सेवाकीय प्रवृत्तियों हाथ धरवामां आवी रही छे। ફેશન માટેના જે રેપોક વગેરે અને કોટ વગેરે અમને ગિફ્ટ કર્યા છે એ બદલ એમનો આભાર માનું છું અને ફરી એમને આવીને અમારી વચ્ચે આ રીતે પ્રોગ્રામ કરતા રહે એવી આશા રાખીએ છીએ। हम 4x4 के सभी स्टूडेंट्स हैं। हमें मुस्कुराहट प्रोजेक्ट के साथ ये मौका मिला है कि यहाँ पे जो संस्था चलाई जा रही है इसमें आके हम इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें और हम चाहते हैं कि हमें ऐसा मौके बार बार करने को मिले। थैंक यू सर। नमस्ते, मेरा नाम उर्वशी पटेल है। मैं 4x4 फैशन एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मुस्कुराहट के जो प्रोजेक्ट द्वारा हमने ये टी शर्ट इन बच्चियों को उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए प्रयत्न किए हैं और इन लोगों को बहुत अच्छा भी। नमस्ते, हमारे यहाँ हॉस्टल में सब प्रथम बार आज टी शर्ट पहरा ली में कैटवॉक करा भी थी, वो मजा आया। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि सिंह है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं गांधीधाम में मुस्कुराहट प्रोजेक्ट चला रही हूँ, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर हमने 4x4 फैशन एकेडमी के बच्चों के साथ मिलके इन बच्चों के लिए हैंड पेंटेड टी शर्ट्स बनाए और इनको आज गिफ्ट किए। करुणा विहार विद्यालय में यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं जो कि अनाथ हैं। रमीला बेन, फाल्गुनी बेन, किरित भाई और जया बेन यहाँ के केयर टेकर हैं जो इन लड़कियों का ध्यान रखती हैं। यहाँ पे मोर देन 100 to 150 लड़कियाँ रहती हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से बहुत कम है, अराउंड 35 to 40 लोग हैं यहाँ पे अभी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही फैशन आप सुनते हो, फैशन सुनते ही आपके दिमाग में आते हैं हीरो और हीरो, बट फैशन का असली अर्थ हीरो हीरोइन नहीं होते हैं। फैशन का अर्थ ये होता है, असली हीरो जो होते हैं वो लोग होते हैं जो दुख में भी संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारी आज की पीढ़ी के असली हीरो हीरोइन ये बच्चे हैं जो समाज से इतना लड़ रहे हैं और अपनी जगह बना रहे हैं। 4x4 फैशन एकेडमी के साथ हमने ये डिसाइड किया कि हम इन बच्चों को भी प्रोत्साहन करेंगे और इनको इनके जीवन में भी मुस्कुराहट फैलाएं। इसी के साथ हमने इन लोग के यहाँ पे आके बर्ड हाउस, बर्ड फीडर, वाटर पॉट वो भी लगाए और इनको सेव बर्ड्स कैंपेन के बारे में बताया। मुस्कुराहट की तरफ से 2 गमले यहाँ पे रखे जिनको देख के इनके जीवन में रोज़ स्माइल करने की एक अपॉर्चुनिटी रहे और ये इस तरह से आगे बढ़ सके। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, अपने और अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाएं। जो दूसरे लोग हैं जो दुख में हैं उनकी भी चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल राजगुर और मैं 4x4 फैशन एकेडमी की ऑनर हूँ। ये मुस्कुराहट प्रोजेक्ट मेरी फ्रेंड अंजलि ने लॉकडाउन में शुरू किया था लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए। और जब मुझे पता चला कि अंजलि जो अपना प्रॉफिट है वो सोशल वेलफेयर में यूज़ करते हैं तो ये बात मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए योगदान दें। तो हमने और 4x4 के सारे स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि हम फैशन के स्टूडेंट हैं तो फैशन से रिलेटेड ही कुछ बच्चों को गिफ्ट करते हैं। तो ये सारे ही टी शर्ट है जिसपे मुस्कुराहट बनाए हुए हैं, उस 4x4 के स्टूडेंट्स ने हैंड पेंट करे हुए हैं। और आज ये मुस्कुराहट के साथ ये प्रोजेक्ट करने में हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमें इन बच्चों के फेसेस पे स्माइल लाने का एक मौका मिला। तो आज हम 4x4 के स्टूडेंट के साथ यहाँ पे इन बच्चों के बीच में मुस्कुराहट स्प्रेड करने के लिए आए। थैंक यू। ये करुणा विहार कन्या सदन है।
यहाँ बच्चियाँ इधर रहकर पढ़ती है। ये मुस्कुराहट संस्था की ओर से ये जो लगाए हैं उन्होंने बच्चियों को जो टी शर्ट गिफ्ट किया और बच्चियों के मुंह पे जो मुस्कुराहट ला दी, इसकी तरफ से मैं उनका खूब खूब पुण्यानुमोदन करती हूँ।